वीडियो की शुरुआत हो रही है अपनी नानी के साथ और अभी हूँ घर में और अब जाने की तैयारी है खेत रोज की तरह झंगोरा गोड़ने के लिए। और आज है हमारा अभी भी जाने वाले है। मैं नैन भी ना तैयार हुई मैं भी घर के और नहीं नहीं हम ऊपर भरोसा नहीं बोले तुम बेकार गोड़ाल के ना। हाँ बेकार गंदा गोड़ाल तुम ठीक नहीं गोड़ा इसलिए तैयार हुई। बड़ी मुश्किल है रोज मैं भैया खेरा पर फिर भी मिल गए नैन लिए है ना। हाँ। तो चलिए जी करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसाण उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। और आज की नई वीडियो में नई वीडियो की शुरुआत सुबह के करीब 8:30 बजे से हो रही है और खेत जाने की तैयारी है अभी है घर में और बाकी हमारे पलटे अभी धीरे धीरे आ ही रहे हैं। ये देखो भाभी जी भाटना से आ रही हैं दूध लेके। आ तो आजकल इनके भैंस चले गए नीचे भाटना। बाकी सुनीता दीदी भी आ चुकी है और मेरी नानी भी ना कितना मना किया। नानी बोल रही मैं तुम लोगों को देखने आ रही हूँ तो नानी भी आ रही हमारे साथ। बाकी के पलटे हमारे दूसरी तरफ से दूसरे रास्ते से जा चुके हैं। नानी ना बोल। इस खेत से ना यहाँ पे गुड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अब बाकी नानी जी कर रही है अभी फ़ोन पे बात और हम 4-5 लोग आ चुके हैं और 2 और बाकी है आने। भाई हम लोगों ने एक ये वाला और एक छोटा सा ये वाला था दो खेत गोड़ने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे वाले खेत में। तो लोग काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ना जल्दी जल्दी भी गुड़ाई हो रही है। तो भाई अब इस वाले खेत में भी शुरुआत हो चुकी है गुड़ाई की। तो ये यहाँ से वो वहाँ तक है। भाई अभी हम लोगों ने ना ये वाला खेत भी देखो पूरा गोड़ दिया और लास्ट पूरा करने के लिए ऊपर साइड को गए हुए हैं सब लोग। यहाँ पे ना मेरी नानी जी को लग गई थकान तो नानी यहाँ पे बैठी हुई है और अब जा रहे हैं हम सब लोग दूसरे खेत में। तो इतना झंगोरा हाँ तीसरे खेत में। तो अभी ये देखो इतना झंगोरा भी निकाला हमने इस खेत से और आधा यहाँ नीचे रखा हुआ है तो इसको ना दूसरे वाले खेत में लगाएंगे। इस वाले खेत में हम लोगों ने करना है गुड़ाई। तो ये वहाँ से लेके ओ लास्ट वहाँ मंदिर के सामने तक है ये खेत। तो ये भी ना बहुत बड़ा खेत है अब इसमें करनी है हम लोगों को गुड़ाई। तो भाई हमारे खेत के ऊपर साइड पे ये कोलपुड़ी वालों की दुकान है इनके सामने। ये देखो ये लगा है गलोर इसको बोलते हैं नींबू की तरह ये दिखते हैं। तो इनके ना छिकल खाते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं और बहुत सारे लगे हुए चटनी बनाने के काम आते हैं। यहाँ पे सुनीता दीदी कर रही कोशिश निकालने की अब निकलता है नहीं निकलता है क्या भरोसा। ऊपर साइड से दर्शनी दीदी आ चुकी है। दर्शनी दीदी निकाल रही है ये देखो भाई इतने सारे गलोर निकाल के ले आई सुनीता दीदी। सब लोग ना लोगों ने ना यहाँ पे ये गलोर जो है कि वो छील दिया है और वैसे तो इसके छिकल खाते हैं ये खट्टा होता है लेकिन ये लोग ना सब खा रहे हैं। नींबू से ज्यादा खट्टा होता है हो रही। लेकिन ये खा रहे फिर तो भाई इस खेत की भी ना शुरुआत हो चुकी है गुड़ाई की यहाँ से। तो इस साइड से तो बारीक बारीक है ये खेत तो इस तरह से इसमें झंगोरा भी छोटा छोटा हो रखा है। ऐसा गुड़ाई करने के बाद ना अभी मेरी माँ आ चुकी है चाय लेके। तो मेरी नानी जी को अभी हमने घर भेज दिया तो अब हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय। आज मेरी माँ ना ये देखो भाई चाय के साथ कुछ अलग चीज बना के लाई है इसको बोलते हैं चावल का कसार और कुछ लोग साय भी बोलते हैं तो शायद अलग अलग नाम से इसे सब लोग जानते होंगे लेकिन ये चावल का कल्लू है। कौन स्वाद आई
टेस्टी बन रखा है और खेत में धूप भी लगी है तो खाने में काफी मजा आ रहा है। सब लोग चाव से खा रहे हैं, ये देखो भाई मस्त हो के। तो खेत में इस तरह से खाने में ना बहुत मजा आता है ना रीना दी? कौन से बहुत ज्यादा ये लो गजब का बन रखा, देखो टेस्टी टेस्टी। जिसका मन कर रहा है वो खाने के लिए, जिसका मन कर रहा है वो खाने के लिए। ये सबके बस का नहीं है बनाना, ये किसी किसी के हाथ में स्वाद होता है। तो आज दो रमान वाली टॉफी दिए खा रहे हैं, खट्टी मीठी मियामा आई ना, मियामा आई ना दी। तो भाई अभी कल उठाने के बाद और चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा गुड़ाई शुरू करेंगे। और बाकी यहाँ पे रोड के सामने हमारा खेत है ना, तो यहाँ पे रोड का काम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से बैकग्राउंड वॉइस भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, खड़बड़ खड़बड़ की जो मशीन वगैरह की है। अब हम लोग करते हैं दोबारा से गुड़ाई शुरू। और हमारे साथ भाई एक कुत्ता भी आ रखा है, ये देखो, तो ये लगभग हमारे साथ रहता है, जहाँ हम जाते हैं वहीं आता है ये कुत्ता भी। बाकी यहाँ पे अब दोबारा से गुड़ाई शुरू कर दी है खाने पीने के बाद। अभी तो मेरी माँ भी कर रही गुड़ाई। पूरा हो चुका है और बीच में ना सोनी और मेरी माँ घर चले गए थे, बाकी हम बचे हैं अभी पांच लोग। तो बस ये लास्ट खेत था हमारा, ये भी पूरा हो चुका है। ये देखो भाई, खत्री भाई भी बकरियों को लेके चराने के लिए जा रहे हैं और बाकी ये दुकान के साथ साथ ना खूब सारी बकरी पालन भी कर रहे हैं। बाय 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 बाय। तो भाई यहाँ से हमारा रास्ता चेंज हो गया, ये लोग चले गए उस रास्ते से और मैं आ रही हूँ दूसरे रास्ते से। तो भाई अभी ना खेत से आने के बाद हम लोगों का खाना भी हो गया है और बाकी यहाँ पे शाम के टाइम पे फिर से बारिश शुरू हो गई है। और खेत से आने के बाद ना आजकल इतनी बड़ी वाली नींद आ रही है थकान के मारे, थोड़ी देर सोने के बाद फिर मैं अभी उठ चुकी हूँ और अब मेरी माँ बना रही है चाय और अब हम लोग पियेंगे चाय, तो उसके बाद करनी है सिलाई। और बाकी यहाँ पे अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो थोड़ी देर में तेज़ हो ही जाएगी। बाकी मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा, मतलब ठंडा हो रखा है। बाकी हमारे पहाड़ों की एक ख़ास बात यही है कि जहाँ लोग शहरों में गर्मी की वजह से आजकल काफ़ी परेशान हो रखे हैं, वहीं यहाँ गांव में पहाड़ों में लोग इस खूबसूरत से मौसम का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, तो यही मौसम, यही वातावरण, यही शुद्ध हवा, शुद्ध पानी हमारे गांव पहाड़ों को शहर से अलग बनाती है और स्पेशल बनाती है। और बाकी अभी मेरे हमारे घर में ताई जी भी आई हुई है मेरी नानी जी से मिलने और यहाँ पे ना मेरी माँ भी आ चुकी है चाय लेके। कभी नहीं दिए ताई जी। हाँ, तो जिसने ताई जी को कभी नहीं देखा वो आज देख लिया, वो आज देख लिया दुनिया भर में ताई जी फोटो सा। तो अभी भाई यहाँ पे आ चुकी है गर्मा गर्म शाम की चाय, तो इस खूबसूरत से मौसम के साथ यहाँ पे लिया जा रहा है चाय का आनंद।